सो एवरीवन रेडी? चलिए आज हम लोग करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको आज कौन योगा सिखा रहा है। मैं रोशन कुमार अभी 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, PCMB का स्टूडेंट हूँ और योगा जब मैं 10 साल का था तब से मैं योगा सिखा रहा हूँ। चलिए इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे बड़े मामा जी को जिसने मुझे योगा के लिए उकसाया और जिससे मैं योगा शुरू किया। ठीक है, अभी मैं किस तरह से दूसरे को हेल्प करता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब चैनल है, इन सब के द्वारा मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम सब बहुत उत्साह के साथ शुरू करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा। सबसे पहले आप बैठ जाएं जिस प्रकार से बैठे हैं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, सूक्ष्म व्यायाम, वज्रासन, पद्मासन। जो नए लोग हैं वो नॉर्मल पालथी मार के बैठे, हाथ को इस प्रकार से योग मुद्रा में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों उंगली टच रहेगा और बाकी तीनों सीधा होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण किस प्रकार से करना है, सबसे पहले हम लोग लंबा सांस लेंगे जितना भर सकते हैं, उसके बाद मुंह को गोल करके ओम का उच्चारण करना है, जितना आपके अंदर सांस है सारा निकाल लें और लास्ट में करना है। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ कीजिए, सभी लोग एक साथ लंबा सांस लेंगे ओ, एक और लंबा सांस लें ओ, फिर से लंबा सांस भरें ओ, आप इसे और 2 बार करें। मैं जो नए लोग आए हैं उन्हें मैं चेक करता हूं वो सही कर रहे हैं या नहीं। आप इसे फिर से 2 बार करें, लंबी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। 2 बार सब वीडियो बंद करके रखे हैं। ठीक है, आप शर्मा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के करते रहें। एक और लास्ट लंबी सांस लें आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में करके ओम का उच्चारण को बंद करना है। आप इसे करते वक्त महसूस कर रहे हैं कि आपका पूरा बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, इसमें कहीं पे भी बॉडी में कोई भी खराबी होती है तो वो आराम से निकल जाती है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युमुक्षीमामृता। ओम शांति शांति शांति। अभी आप आंख बंद करके कमर सीधा करके अपने हाथों को योग मुद्रा में रख के बैठें। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बैठना सीखना पड़ेगा। थोड़ा लंबा देर तक बैठें, 10-15 मिनट तक लगातार आंख बंद करके। जो भी थॉट्स आता है, फर्स्ट टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। बस जो भी थॉट्स आते हैं उसे आप देख लें कि हाँ ये थॉट है, फिर उसे साइड कर दें। फिर से जो थॉट आ रहा है उसे देखें, क्या है ये थॉट, फिर से उसे साइड कर दें। ऐसा नहीं करना है कि अब जो थॉट आया उसमें और डीपली घुसते जाना है आपको। बैठे अभी आप थोड़ी देर, आज मैं आपको मेडिटेशन करने भी सिखा देता हूँ अच्छे से, इसका बहुत सारा लाभ है। आप जब ऐसे बहुत देर तक बैठेंगे तो आपके पैर अपने गर्दन को सीधा रखेंगे। पूरे ध्यान के साथ मेडिटेशन करते हुए आप अपने सारे चक्र को जगा सकते हैं। तीनों उंगली आपका सीधा होगा, हाथ योग मुद्रा में होगा। बैठिए, अगर आपको अपने साथ सॉरी, किसी का कॉल आ रहा था इसलिए मैं म्यूट हो गया था, आप करते रहें। आपको मैं सिखा रहा था कि आपको अगर अपने चक्रास को जागृत करना है तो आप कैसे मेडिटेशन करें। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करें। नीचे से मतलब आपका जो मूलाधार चक्र है, जस्ट एनस के ठीक थोड़ा सा ऊपर, वहां पे ध्यान लगाएं। आप अपने एनस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। पहले वहां फोकस करें, उसके बाद फिर अपने नेवल पे आए, अपने नाभि पे ध्यान लगाएं। उसके बाद आप अपने हृदय में ध्यान लगाएं। इन सब चक्रास में एक एक पर्टिकुलर भगवान होते हैं जिसका आप ध्यान लगा सकते हैं। आपको मेडिटेशन करते वक्त कोई मच्छर काट रहा हो या फिर कोई मक्खी बैठ गई हो, बस आप उसे महसूस करें। आप घबराए ना, हिले नहीं, जैसे हैं उसी प्रकार से बैठे रहे। इससे आपका जो होता है पेशेंस कैपेसिटी बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन करने का पावर बढ़ता है। आप जो भी कुछ करेंगे, कोई भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो आप उससे आराम से बाहर निकल सकते हैं। करते रहे आप बैठ के, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आप मेडिटेशन करते वक्त आप अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को भी देखो कि आपका जो है बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, आप योगा करते हो, ओम का उच्चारण करते हो, कपालभाति करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी का मतलब इसे आप जितना ज्यादा देर करोगे, कम से कम इसे आप सुबह अगर बहुत जल्दी उठते हो तो सुबह उठ के करो, इस समय बहुत ज्यादा शांति होती है। योगा करना जरूरी है कि आप सुबह उठो और फिजिकल फिटनेस के लिए बॉडी को इधर से उधर मूव करना ही योगा है। आप पूरे दिन भर योगा कर सकते हो, जस्ट आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज को ध्यान लगा के करना है। आप जो चीज कर रहे हो उसी पे कंसंट्रेट करो। आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, आप चल रहे हो तो आपका सारा ध्यान चलने पे होना चाहिए। जो भी करो उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो और बस वहीं पे ध्यान रखो। चाय बना रहे हो तो सिर्फ चाय बनाने पे ध्यान होना चाहिए। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वहीं होना चाहिए। अगर आप सारे काम पे ध्यान रखते हो तो फिर आपको मेडिटेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। खाते वक्त ध्यान से खाइए, सब कुछ ध्यान से कीजिए, सब कुछ को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप अच्छा कर सकते हो उसमें। बैठे, अगर आप खेलना चाह रहे हैं थोड़ा तो भी आप बैठे, अपने आपको फोर्स करें थोड़ा बैठने। धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा देर तक मेडिटेशन कर पाएंगे। चलिए अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको अभी हाथ रब करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको मेडिटेशन अभी मैं आधा घंटा कराता। चलिए अपने हाथों को रब कर लें, हाथों को रब करके आपके आंखों पे गर्म एहसास होना चाहिए। ऑनलाइन मैं आपको अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, फिर भी मैं जितना हो सके उतना आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप कोई आसना को चूज करके बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा, पालथी मारने की जगह। मैं आपको दूसरे आसना भी बता देता हूँ आप किस तरह से बैठ सकते हैं जो नए लोग जुड़े हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिद्धासन बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट पैर को इस प्रकार से फोल्ड करना है। मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है अजय सर? अब इस प्रकार से दाहिने पैर को रखें, एंकल के ऊपर एंकल होगा, इस प्रकार से। सिद्धासन में क्या है, बस ये दो जो दोनों घुटना है वो नीचे सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप सारे काम काज भूल जाएं, अभी आप योगा कर रहे हैं सिर्फ आप योगा पे ध्यान दें। ठीक है, ये दोनों जो होगा वो नीचे सटा हुआ होगा। जिनकी जांग मोटे हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, घुटना नीचे सटा होना चाहिए। उसके बाद हाथ को योग मुद्रा में, ये सिर्फ एक योग मुद्रा है, इस तरह से बहुत सारे मुद्रा होते हैं, हर एक फिंगर के साथ एक अलग अलग मुद्रा बनता है, सबका एक अलग अलग विशेषता होता है। कोई मोटापा कम करने के लिए, तो कोई होता है जो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ाएगा, सबके अलग अलग होते हैं। इस तरह से भी एक मुद्रा होता है, ठीक है, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ये मुद्रा क्या, आप इस प्रकार से कभी भी करके रख सकते हो, जिस समय आप वॉकिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। ये आपको क्या चीज में हेल्प करता है, ये आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। आप अधिकतर देखोगे ऋषि मुनि लोगों को तो वो हमेशा इसी प्रकार से रहते हैं। ठीक है, आप कोशिश करना इस प्रकार से कोई भी चीज करने का, तो वो काम आपसे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप एक दिन मेडिटेशन आप इस मुद्राओं को लगा के करना और एक दिन सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल आप बैठ जाना,
देखना आप जिस दिन ये मुद्रा लगा के करोगे उस दिन आप ज्यादा कर पाओगे, इससे आपका जो है कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो आप अभी बैठना सीख गए, मैंने आपको योग मुद्रा बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको जो है, आप कल परसों मैं सिर्फ बैठा रहा हूँ, आज मैं आपको खड़ा होकर कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप एनर्जी में आए, थोड़ा सा आप खिले डुले, इसलिए आप खड़े हो जाएं आप सभी लोग। जी मैं विजिबल हूँ, थोड़ा सा मेरा सर कट रहा है। नहीं, आप सभी खड़े हो जाएं, जंप करें, तब तक हल्का हल्का जंप करें। चलिए आप ठीक है, हल्का हल्का धीरे धीरे जंप करें जहां पे भी हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पैर को हल्का से उठाना है और नीचे लाना है। करें जंप, उत्साह में आ जाए, पूरा एनर्जेटिक अपने बॉडी को वार्म अप करें। धीरे धीरे अपने जंप को बढ़ाएं, जितना ज्यादा जंप कर सकते हैं, और जोर से उत्साह के साथ। अब पैर को आगे पीछे करें, पैर ये आगे पीछे होगा इस प्रकार से। कीजिए आप सभी लोग, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन करें। अभी हम लोग जैसे स्कूल में पीटी किया करते थे उस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से ये बहुत इजी है, जो नए लोग हैं उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कीजिए कीजिए, आप कितना कर सकते हैं देखें। सब वीडियो ऑन करके करें, मैं आप सबको चेक करता हूँ। करते रहे आप, करते रहें, इससे मोटापा आराम से कम हो जाएगा जब पसीना निकलेगा तो। सभी लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं जी, आप करते रहें। आज मैं आपको मेन सूर्य नमस्कार कराऊंगा, इसलिए पहले आपका थोड़ा सा बॉडी वार्म अप कर दे रहा हूं। इसमें आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, इसमें आपका जो मुंह होगा वो बंद होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सूर्य नमस्कार कराता हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स कर ले आप, लंबी लंबी सांसें ले ले, जस्ट रिलैक्स। मैं आपको सब कुछ रिलैक्स करा के कराऊंगा, ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, आप बिल्कुल नए हो। ठीक है, अभी आपको सूर्य नमस्कार करना है। सीधे खड़े हो जाए, प्रणाम मुद्रा बनाएंगे, कीजिए आप। अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, अपने हाथों को देखते हुए ऊपर ले जाना है। आपको अपने हाथों को देखना है और ऊपर ले जाना है। फिर बैक साइड सूर्य नमस्कार तो आप सबको पता होगा, पीछे करें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। जितना नीचे आ सकते हैं आप उतना नीचे आए, स्लो स्लो करेंगे, जितना स्लो कर सकते हो आप। उसके बाद अपने सर को घुटने में सटाने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, आपका जो भी लेफ्ट पैर है उसे पीछे ले जाएं। जी बहुत बढ़िया, जो युवा लोग हैं वो इस पैर को ऐसे ही रहने दें, अगर इस प्रकार से आपको दिक्कत होता है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको मेरा पैर दिख रहा है अच्छे से, ये पैर जो होगा मुड़ा हुआ होगा। मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कीजिए आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊपर देखिए आप, आपका जो गर्दन होगा वो ऊपर की साइड होगा। ठीक है, इस प्रकार से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, अपने जो कमर पे है स्ट्रेच देने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेच दीजिए और ऊपर देखिए। अगर आप इसे सुबह करते हो तो जिस तरफ सूरज भगवान होते हैं उस तरफ करके किया करो। ठीक है, पूरा स्ट्रेच देने के बाद आप पीछे ले जाओ दाहिने पैर को। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सर को नीचे सटाने की कोशिश करना है।
अपने सर को नीचे से हटाने की कोशिश करें, कीजिए जितना कर सकते हैं कोशिश करते रहें। आपके घुटने के पास थोड़ा सा पेन होना चाहिए, थोड़ा सा कमर में लगना चाहिए, इसका अर्थ मतलब आप सही कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉज करें, जैसे स्थिति में उसी तरह से रुके। अभी घुटने को नीचे सटाएं, घुटने को नीचे जमीन पे, उसके बाद फिर आपको अपने चेस्ट को नीचे सटाना है। जस्ट चेस्ट आपका नीचे सटेगा और चेन कीजिए इस प्रकार से, पॉज कीजिए, इसी तरह से रुकिए आप। अब आगे की और आंखें उठें, जितना आप पीछे जा सकते हैं जाएं, आपका कमर नहीं उठना चाहिए। कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊपर की ओर देखें, दे स्ट्रेच दे, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी स्थिति में रुके, अब हम लोग उठेंगे। उठिए अब धीरे धीरे दोनों पैर को, अब आपको कमर को ऊपर लेके जाना है। फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे, अब उसका जस्ट उल्टा होगा। फिर से आप अपने सर को नीचे से हटाने की कोशिश करें, सर अगर आपका सट जाता है तो उसी स्थिति में रुके आप। अब अपने राइट पैर को आगे लेके आए, जी फिर से आप अपने कमर में स्ट्रेच दे, ऊपर की ओर देखेंगे, इसी स्थिति में रुकेंगे। दोनों पैर को आगे लेके आए, घुटने में सर को सटाने की कोशिश करें। अब फिर हाथ को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाए, पीछे की ओर जाए, जितना पीछे बैक बेंडिंग कर सकते हैं उसी तरह से रुके आप। फिर नीचे आगे आके प्रणाम मुद्रा बनाए और चेस्ट के पास करें। इसे आप फिर से करें, मैं आपको चेक करता हूं। इसमें जो है आप अब पहले लेफ्ट पैर को पीछे लेके गए थे, अब राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। ले जाइए राइट पैर को पीछे, जी पहले प्रणाम मुद्रा बनाएंगे, उसके बाद बैक बेंडिंग जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे आए, जितना स्लो करेंगे आप उतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की ओर आए, आगे की ओर आके सर को घुटने में सटाने की कोशिश करें, जी। अब दोनों हाथ को नीचे जमीन पे रख दें, जी राइट पैर को पीछे लेके जाना है, कीजिए बहुत बढ़िया। आप जितना पैर को आगे ला सकते हैं लाएं, आपको कमर पे स्ट्रेच देना है, ठीक है। इसी स्थिति में रुकें, ऊपर की ओर करें, गर्दन आपकी ऊपर की ओर होगा, आसमान की ओर। अब दोनों पैर को पीछे कर दें, दोनों पैर को पीछे, जी। अब आप अपने सर को जमीन में सटाने की कोशिश करें, सर को जमीन में सटाने की कोशिश करें, जस्ट कोशिश करें, नहीं सटता है तो। बहुत बढ़िया कर रहे हैं अजय सर। इसके बाद अब आप घुटने को सटाएं, पहले घुटना सटेगा नीचे, उसके बाद फिर चेस्ट और आपका चिन, इसमें भी गर्दन आगे की ओर रहेगा, आंख आगे की ओर, ठीक है। इसी प्रकार से रुकें, अब आगे की ओर जस्ट स्नेक की तरह उठें, आगे की ओर उठें, जी बहुत बढ़िया। अब ऊपर की ओर देखें, जितना स्ट्रेच कर सकते करें, आपका कमर बस नहीं उठना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। फिर से आप उसी पोजीशन में आ जाएं, अपनी कमर को पूरा उठा लें, इसी प्रकार से रुके थोड़ा देर, सर को नीचे सटाने की कोशिश करें। मैं बता बता के कर रहा हूं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसे हम स्पीड से भी कर सकते थे, पॉज करें, इसी तरह से रुके। अब आप अपने एक पैर को आगे लेके आए, लाइए, बहुत बढ़िया, जितना ला सकते हैं लेके आइए, कोई ज्यादा फोर्स आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आप अपने कमर पे स्ट्रेच दें, कमर पे स्ट्रेच, ऊपर की ओर गर्दन। अब दोनों पैर को आगे ले आए, दोनों पैर आगे, ठीक है। सर को घुटने में सटाने की कोशिश करें, कोशिश करें, आपको कोशिश हमेशा करते रहना है, ठीक है। अब धीरे धीरे हाथ को देखते हुए ऊपर उठें,
आपका नजर जो होगा वो हाथ पे होगा, ठीक है, जाइए पीछे जितना पीछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे आके प्रणाम मुद्रा बनाए, ये आपका सूर्य नमस्कार एक बार कंप्लीट हुआ। इसे आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसे स्लो में कराया, स्लो में करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आपने जितने लोगों को देखा होगा सब बहुत फास्ट कराते हैं। चलिए एक बार फास्ट भी कर लेते हैं, अपने पेशेंस के अनुसार करें, ज्यादा फोर्सफुली ना करें, ठीक है। चलिए एक बार फास्ट मैं भी आपके साथ करता हूँ। प्रणाम मुद्रा, हाथ को देखते हुए धीरे धीरे पीछे जितना पीछे जा सकते हैं आगे आए, हाथ को देखते हुए जमीन में हाथ को सटाएं, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, ऊपर की ओर देखें, कमर में थोड़ा सा स्ट्रेच, उसके बाद दाएं पैर को पीछे, सर को नीचे सटाने की कोशिश करना है, फिर घुटना नीचे, चेस्ट नीचे, ऊपर उठ जाए। अब अपनी कमर को उठाएं, फिर अपने राइट पैर को आगे लेके आए, फिर ऊपर की ओर देखें, फिर दोनों पैर को आगे लेके आए, हाथ को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, ठीक है, और प्रणाम मुद्रा बनाए, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा कि स्टेप किस तरह से, अब मैं 1 2 करके बोलूंगा, आप कीजिएगा। 1 प्रणाम मुद्रा, 2 हाथ को पीछे ले जाना है, 3 आगे आइए, 4 लेफ्ट पैर पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए ठीक है, आपने सूर्य नमस्कार 2 बार किया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप सब। चलिए खड़े होके और कुछ योगा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया किया आप सबने। दोनों पैरों को फैला लें, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं पैर को, हाथ को आगे लाएं इस प्रकार से। अब लेफ्ट इस तरफ जाएंगे और राइट इस तरफ जाएंगे, क्लिक कीजिए आप मेरे साथ, बहुत इजी है। रेडी, 1 जितना नीचे जा सकते जाए, 2 3 बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, 4 5 आपको सिर्फ देखना नहीं है, कीजिए मेरे साथ, जितना हो पाए उतना ही करें, लेकिन जरूर करें। इससे आपका स्ट्रेचिंग होता है और बहुत अच्छा फील होता है पैर में। दोनों पैर को आगे लेके आ जाए। अभी हम लोग करेंगे जिस प्रकार से कुल्हाड़ी चलाते हैं, जिस प्रकार से लकड़ी काटना होता है कुल्हाड़ी चलाते हैं, तो अपने दोनों मुट्ठी इस तरह से पकड़ लें कि आपका कुल्हाड़ी पकड़ लिया। अब ऊपर से नीचे की ओर चलाएं इसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब उठ जाएं, अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इससे हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया था कि इम्यूनिटी जो है हम लोग का बॉडी एक सैनिक के जैसा है, तो सैनिक को मजबूत बनाने के लिए आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ को आगे ट्विस्ट करेंगे इसमें हम लोग, क्या करेंगे ट्विस्ट इस प्रकार से करें, दोनों हाथ आगे की ओर होगा, लेफ्ट साइड इस प्रकार से जाएंगे, फिर राइट कीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है करने में। इसे सांस के साथ कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
मेरा कैमरा अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। चलिए रुक जाए, अपने कमर पे हाथ रख लें। अभी हम लोग कमर को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, कमर को आगे की ओर हाफ साइकिल बनाएंगे, इस प्रकार से पकड़ के हाफ, यहां तक जस्ट हाफ आगे लाएंगे, फिर यहां से हाफ, ठीक है। आपको पीछे नहीं ले जाना है, अभी सिर्फ आगे करना है, कीजिए सिर्फ आगे, जितना आगे कर सकते कीजिए। लेफ्ट, फिर लेफ्ट से आगे, लेफ्ट आगे, लेफ्ट। अभी पीछे कीजिए, सिर्फ सिर्फ पीछे की ओर करेंगे, पीछे करें जितना पीछे कर सकते हैं। अभी रोटेशन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सिर्फ आगे का रोटेशन किए, हाफ रोटेशन, और पीछे का हाफ रोटेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मुंह से सांस लेना नहीं है, सिर्फ नाक से कीजिए। अभी पूरा फुल रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए कीजिए, आराम आराम से। इसमें जो होगा आपका नी जो है वो मुड़ना नहीं चाहिए, कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मैं क्या सिखाया हूं, जो भी कीजिए स्लो स्लो कीजिए, जितना स्लो कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको योगा। स्लो करना है, पूरा स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज, चलिए ठीक है, दोनों हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स कर ले थोड़ा। अब आप बैठ जाइए, बहुत ज्यादा थका दिया मैं। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको लग रहा होगा, जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है, ठीक है, बैठ जाए। अभी मैं आपको कुछ क्रियाएं बताता हूं, ठीक है, जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको अग्निसार क्रिया, ठीक है। इसे किस प्रकार से करते हैं, हाथों को योग मुद्रा में रखेंगे, थोड़ा से रिलैक्स कर ले, अभी लंबी लंबी सांसें ले लें, छोड़ लें। आराम से बैठें। अभी आप योगा के साथ जुड़े हो, आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप योग कर पा रहे हो, योग सबके नसीब में नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं उन्हीं को योग मिलता है। योग के साथ जुड़े हो, जुड़े रहना, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, 7 साल से योगा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे आगे एक बच्ची दिख रही है वो मुझसे भी ज्यादा लकी है। बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स, जस्ट आपको रिलैक्स के लिए बैठा रहा हूँ ताकि आपका सांस जो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो करने बोलता हूँ वो कीजिए। पहले आप लंबा सांस ले लें, फिर जितना सांस लिया आप पूरा सांस छोड़ दें, फिर से एक लंबा सांस, उसे भी पूरा छोड़ दें, ठीक है। अब इसे पूरा छोड़ने के बाद क्या करेंगे, आपको कुंभक लगाना है, मतलब आपको रोक देना है, ना सांस लेना है ना छोड़ना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप अपने पेट को जितना अंदर कर सकते हैं आपको करना है, ठीक है। क्या किए, पहले पूरा सांस ले लें, पूरा सांस को छोड़ दें, उसके बाद पेट को पचकाएं और कुंभक लगाएं। इसमें आपको क्या करना है, इस चिन्ह को यहाँ चेस्ट में सटाना है ताकि आपका जो गला है वो भी लॉक हो जाए। आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से करना है। सबसे पहले लंबा सांस लिए, जितना लिए उसको पूरा छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद फिर ना लेना है ना छोड़ना है, जस्ट रुक जाना है, अपने पेट को अंदर कर लेना है पूरा, चिन्ह जो है वो पूरा नीचे की ओर सटा लेंगे, जस्ट दैट्स इट, उतना कीजिए। और
जब आपको लगता है आप सांस फिर से लेना है तो फिर से ले लें। चलिए फिर से करते हैं, एक बार लंबी सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, लगाएं कुंभक, फिर से सांस ले लें। आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं कीजिए। फिर से एक लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़िए, फिर से लगाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे दो बार हम लोगों ने कर लिया, अब इसे देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से करेंगे, इस बार क्या करेंगे, गले से अपनी आवाज निकालेंगे। ठीक है, मतलब गला लॉक होगा, उसके बाद करके आपको आवाज निकालना है। ठीक है, देखिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। लंबा सांस मैं लिया, लंबे सांस को छोड़ दिया, फिर गला लॉक, इस प्रकार से करना है आपको। ज्यादा फोर्स मत दीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कीजिए। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ दें, पेट को लॉक, गर्दन भी लॉक, छोड़ दें। जितना देर कर सकते हो उतना देर ही करें। ठीक है, आराम आराम से करें, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ भी ज्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना है, कुछ भी अलग तरीके से नहीं करना है। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि इस तरह से भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, समय कम है इसलिए मैं आपको बस एक एक और दो दो बार करा रहा हूँ। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसे करना किस प्रकार से है। अभी देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, कीजिएगा। पहले क्या करेंगे, इसी प्रकार से लंबा सांस लेंगे, लंबे सांस को छोड़ देंगे, फिर ना सांस लेना है और ना छोड़ना है, और पेट को आगे पीछे करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अग्निसार क्रिया। लंबा सांस ले लें, फिर जितना लिए उसे पूरा छोड़ दें, अब लॉक करें और पेट को आगे पीछे करें। मैं बोल रहा हूं इसलिए सांस में थोड़ा सा ये हो रहा, कीजिए मेरे साथ। जितना टाइम्स आप पेट को आगे पीछे कर सकते हो उतना टाइम करें, फिर से जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार करना है। आपको कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करें। फिर से एक बार लंबी सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, सांस को रोके और पेट को आगे पीछे करें, कीजिए पेट को आगे पीछे। इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगता है तो आपका थोड़ा सोल्जर आगे पीछे हो सकता है, कीजिए मैं आपको देख रहा हूं। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, सिर्फ पेट पे, आपको सिर्फ पेट पे ध्यान लगाना है, ना कि आपका सोल्जर आगे पीछे होगा। ठीक है, कमर सीधा होगा, गर्दन सीधा होगा, सब कुछ सीधा होगा। लंबा सांस लें, उसे छोड़ें और पेट को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा रिलैक्स कर लें। अगर आप पिछला सेशन छोड़ दिए हैं तो उसे भी जाके देख लीजिएगा, तो आपको प्राणायाम क्लियर हो जाएगा और बाकी सब भी क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैंने सूक्ष्म व्यायाम भी कराया था। ठीक है, फिर से थोड़ा रिलैक्स, मैं जो भी कराता हूँ उसे रिलैक्स करा कराता हूँ। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको भ्रामरी करा रहा हूँ, किस प्रकार से करना है देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले पहले ये उंगली से, ये दोनों जो हमारा थंब है, इससे कान को बंद कर देंगे। ठीक है,
कान को बंद करने के बाद ये तीनों उंगली से आंख के ऊपर होगा, ये फॉरहेड के ऊपर होगा, अपने जोश को बनाए रखें, थके नहीं, मुस्कुराते हुए करते रहें, ठीक है। और ये उंगली नीचे की ओर, कान बंद होगा, लंबा सांस लेंगे, उसके बाद फिर भौंरे की आवाज निकालना है आपको करके। कीजिए मेरे साथ, देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। फिर से एक बार करें। इसे आप और 3 बार करें, मैं आपको देखता हूं आप किस प्रकार से कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। कीजिए, आप कान को अच्छे तरीके से बंद कर दें और करें इसे। आंख पे ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो आंख फिर खुलने में दिक्कत होगा। उसको बस बंद करके रखना है, ढक के रखना है आपको। कीजिए, कान भी आपका बंद होगा, आपको मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। जो कर चुके हैं वो थोड़ा देर बैठ जाएं, जो कर रहे हो कीजिए। चलिए, आप सभी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आप ऐसे ही योगा हमेशा करते रहें। आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर ले अपनी वीडियो ऑन। चलिए, अब आप अपने हाथ को नीचे लेके आ जाएं। अब आपको जो मैं आपको शवासन कराता हूं, ठीक है। चलिए, अब शवासन कीजिए। मैं पिछले बार भी कराया था, अभी तो मैं फिर से आपको शवासन करा रहा हूं। लेट जाए, ठीक है। कीजिए, दोनों पैर को आगे करके लेट जाए। दोनों पैर के बीच में गैप होगा। हाथ जो होगा ये पाम को ऊपर की ओर रखेंगे और इस प्रकार से लेट जाएंगे। आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरे नीचे कर लेता हूँ। लेट जाइए आप। पेशेंस वाले योगा करने में बहुत दिक्कत होता है, जो उछल के कूद के करते रहना है, ये सब करना है बहुत आसान है। चलिए, ठीक है, आप लेट जाएं। दोनों पैर के बीच में गैप देखें, हाथ को ऊपर करके। अब आंखें बंद होगा, गर्दन सीधा, दोनों पैर के बीच में गैप। इसे बोलते हैं शवासन। शव का मतलब होता है एक मृत शरीर, जो शरीर के अंदर जान नहीं है। तो आपको इसे करते वक्त अपने बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिलाना है। आप जिस तरह से हैं उसी तरह से रहें, करते रहें। आपके पैर में जो होगा थोड़ा सा गैप होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब। कीजिए, लेट जाइए आप। जस्ट ले योर लाइक दिस। पांच बार आप लंबी लंबी सांसें ले लें। जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें मजा नहीं आ रहा होगा सिर्फ लेटने में। देखिए, आप इसका फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं। आपको इसका फायदा लेने के लिए आपको सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसे करते वक्त आपको सोचना है, आप इस शवासन से आपको कोई भी रोग हो वो सभी रोग में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो जैसा आप अभी 5 बार लंबा लंबा सांस लें, 5 बार आप लंबा सांस ले, लंबा सांस छोड़ें। इसके बाद आपको
सर के बाल से लेके पूरा पैर की उंगली तक सोचना है। चलिए आज मैं भी सोचता हूँ, इसे अगर मैं अच्छे से करूँ तो लगभग 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन इसका बहुत बेनिफिशियल है। मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसे आप रात में सोते वक्त भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए अपने बाल के बारे में सोचते हैं, जिनका मतलब बाल सफेद हो रहा है, जिनका बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है, वो सोचेंगे कि मैंने अभी इतना सारा योगा किया, इससे मेरे बाल जो है वो झड़ना बंद हो रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बाल झड़ने का भी योगा बता दिया। क्या है? शवासन। आपसे कोई भी इंसान पूछे मुझे ये दर्द है, ये हुआ है, ऐसा कष्ट है, आप उसे सिंपली बोल दें तुम शवासन करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी योगा के बारे में नहीं पता है, आप उसे बोल सकते हैं कि शवासन करो, क्योंकि इसके अंदर सारा बेनिफिट्स है। ठीक है, यहाँ से आप अपने बाल के बारे में सोचेंगे कि मेरा बाल धीरे धीरे ज्यादा घना हो रहा है, अब मेरे बाल नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपको ये सब योगा के साथ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है। ठीक है, अब जो बच्चे लोग होते हैं वो कुरकुरे चिप्स यही सब खाना पसंद करते हैं। पहले आप अपने बाल के बारे में सोच लीजिए जितने अच्छे से सोच सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपको फ्यूचर टेंस में नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि हाँ मेरा बाल जो है धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। ठीक है, जो चीज के बारे में जितने अच्छे से जितना टाइम दे के सोचेंगे उसमें उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आप अपने फॉरहेड के बारे में सोचें, मेरे फोरहेड में एक तेज आ रहा है। आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब के बारे में भी सोच सकते हैं। जितना डिटेल में सोचेंगे आप उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपके लिए। आपको जो चाहिए आप सब यहाँ से कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मैं धीरे धीरे पतला होता जा रहा हूँ। आपको सब कुछ इसे करते वक्त सोचना है, और ये आपको सोचना है कि मैंने इसके पहले ये योगा किया, उसका बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है। इस प्रकार से लेटे रहे, आप करते रहे सब कुछ के बारे में सोचिए धीरे धीरे करके। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब मेरे से बहुत दूर जा चुका है। आप एक बहुत अच्छा सा जगह भी इमेजिन कर सकते हैं जहां पे आप लेटे हुए हैं और ये शवासन कर रहे हैं। बहुत अच्छा जंगल जहाँ हरियाली हो, तालाब हो, झील हो। आप पूरा बॉडी के सोचने के बाद फिर उस जगह को इमेजिन कर सकते हैं। चीजें आप बहुत अच्छे से डिटेल में सोचिए सब कुछ के बारे में, जो चीज में आपको प्रॉब्लम है उसमें और ज्यादा डिटेल में सोचिए। करते रहें आप, मैं चेक करता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। मुझे आपका सोच तो नहीं पता चलेगा कि आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में सोचना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बॉडी का कोई भी पार्ट्स का मूवमेंट नहीं करना है। कीजिए, कुछ भी हो, कहीं खुजली हो, मच्छर काटे, कुछ भी हो जाए, आपको हिलना नहीं है तो एकदम नहीं हिलना है। ठीक है, करते रहे, मैं आपको सोना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप सो सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप रोज रात में सोते हैं आपके, सोचिए आपको जितना भी कष्ट है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा थक जाते दिन भर में करके, और आप इस तरह से सोइएगा तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आज लास्ट डे है,
आप शवासन में लेटे रहे, मैं आपको बहुत सारे ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको फूड पे ध्यान देना है, आपका बिलीफ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ मैं योगी हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी योगा किया है, ठीक है। मैं आपको और एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके बॉडी में अचानक से कहीं पे भी पेन होता है जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है मतलब आपको कहीं चोट नहीं लगा है, कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, फिर भी वो बॉडी पार्ट्स दर्द दे रहा है, जैसे आप मान लीजिए आपका गर्दन दर्द दे रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी आपका दर्द दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम आपके ब्रेन में हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपको कुछ गलत विचार आते हैं, कुछ गलत थॉट्स है, कुछ ऐसा आपके बार बार दिमाग में एक टेंशन है बोले तो, उस टेंशन के कारण भी आपके बॉडी में पेन होता है, ठीक है। अगर आप चिंतित हैं, आप उदास हैं, तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा उत्साह में रहें, खुश रहें, ठीक है, ये चीज होगी आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। आप खाना पे जरूर अच्छे से ध्यान दें, बहुत ज्यादा काम भी नहीं करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका तबीयत खराब रहता है फिर भी बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सोते हुए भी रहते हैं। तो आपको ना तो ज्यादा सोना है ना ज्यादा काम करना है, सब कुछ को बैलेंस करके चलना है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। करते रहे आप, आप अपने आप पैर पे पहुंचे, पैर के टोज के बारे में सोचे, ये पूरा बॉडी को आप कंप्लीट कर दें, पूरा बॉडी के बारे में सोच लें। अब मैं आपको उठाने जा रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोच लें आपके अपने बॉडी के बारे में पूरा, उसके बाद आप अपने हाथ को रब करें, रब कीजिए, अपने हाथों को गर्म करें। ठीक है, अपने आंखों पे सेक लगाएं, आंख पे गरम गरम सेक लगाएं, धीरे धीरे आंखें खोलिएगा, फिर से जितने अच्छे से गरम कर सकते हैं उतना अच्छा से गरम करके सेक लगाएं। अब आप उठने से पहले मैं बता रहा हूं आपको, बाई करवट लेकर उठना है, आप लेफ्ट साइड पहले घूमें उसके बाद उठें, पहले लेफ्ट साइड उसके बाद फिर आपको उठना है। हाँ, अब आप उठ जाएं धीरे धीरे जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चलिए ठीक है। कैसा लगा आप सभी को सो के, बहुत मजा आया होगा। चलिए, अभी टाइम तो फिर से आज खत्म हो गया, आज लास्ट डे है, मेरा बैटरी भी डाउन दिखा रहा है। चलिए, अभी हम लोग सबसे लास्ट में क्या करते हैं, लाफिंग योगा। आप हम सबसे जुड़ने के लिए आप अजय सर आप मैसेज कर दे अपना फोन नंबर, ताकि ये सभी लोग आपसे जुड़ सके, आप अपना फोन नंबर मैसेज कर दें। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube वीडियो पे या फिर कहीं पे भी कमेंट करके आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी मैं हूँ, ठीक है। मुझसे कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, लाफिंग योगा करते हैं। मेरा फोन लगता है कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, 8% है, ठीक है।
चलिए अभी हम लाफिंग योगा करते हैं। कीजिए, कैसे मुस्कुराते हैं हम सब, 3 दिन से मुस्कुरा रहे हैं, जीवन भर मुस्कुराते रहना है आप सभी को। चलिए शुरू हो जाए। हा अभी अपने आपको अनम्यूट कर ले और हंसे एक साथ। भूल जाए दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे लोग, हंसी आप। चलिए ठीक है, मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं अब। सर अगर मेरा बैटरी स्विच ऑफ हो जाए तो आप मंत्र पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए बैठ जाएं। ओम भूर्भुवस्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं वर्धनं पूर्वारुक्मिव वन्दना मृत्युमोक्षी मामृता। ये हाथों को रब कर ले, आंख पे सेक लगा ले। होते रहेगा। अगर आप मुझे आते हैं फेसबुक पे रोशन कुमार करके मेरा नाम है, आप मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आप जूम चैट ऑन कर लें, जूम पे देखें, अजय सर ने आपको अपना मैसेज में भेजा होगा कुछ, आप उसे चेक कर लें, उनमें उनका फोन नंबर होगा, आपको बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप सबको कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। आप फेसबुक पे रोशन कुमार, उसमें मेरा डीपी लगा होगा, दोनों लेग होगा बिहाइंड द हेड, ठीक है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है बी हेल्दी विथ रोशन, मैं इसे बार बार बताता हूँ तो दोस्त लोग बोलते हैं कि हमेशा अपना प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। तो आप अपना मेरा YouTube चैनल जाके देखिएगा, बी हेल्दी विथ रोशन, वहां कमेंट करके भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। अभी मेरा बैटरी कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, अभी ये है 1% चार्ज है, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए, बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, स्विच ऑफ।